जी, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम अब्बास है। मैंने 1981 में किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और मेयो हॉस्पिटल से ही मैंने फिर हाउस जॉब की और फिर आई वेंट स्ट्रेट टू ऑर्थोपेडिक्स। मेयो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मैंने एज ए MO रजिस्ट्रार 2 साल के लिए काम किया। तो ये बेसिक ट्रेनिंग जो थी लेने के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ तब एग्ज़ाम होता था प्लैब, वो पास किया एंड देन आई एंटर इन टू द प्रोग्राम ऑफ फेलोशिप। उसके लिए रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनब्रा में मैंने लॉन्ग कोर्स किया और फिर मेरी FRCS से फेलोशिप कहते हैं वो हुई। उसके बाद मेरा वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड वो बेशुमार हॉस्पिटल्स में काम किया, सारे मेंशन नहीं कर सकूँगा। जो इम्पोर्टेंट वाले थे वो था एबरडीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, वेयर आई वॉज ट्रेन्ड विद द 8 कंसल्टेंट्स जिनके हर की अपनी अपनी स्पेशलिटी थी। इन स्पेशल वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पाइनल सर्जरी। ट्रॉमा की तो हर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती ही होती है, तो उन सब 8 कंसल्टेंट्स का एज ए रजिस्ट्रार एंड SR आपको उनके ट्रॉमा और जो एक्सीडेंट को लुक आफ्टर करना ही होता। और उसके बाद आई वॉज लकी टू बी कंसल्टेंट इन UK इन प्लेस कॉल RDGH रोदरम डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल इन शेफील्ड एरिया, वेर आई वर्क एज कंसल्टेंट एंड देन आई डिसाइडेड फॉर माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजन्स टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो 1993 में आई वॉज वेरी लकी के ट्रस्ट हॉस्पिटल है लाहौर में, वेरी गुड हॉस्पिटल शालामार ट्रस्ट के नाम से, they were very kind to offer me a job while I was sitting there. So I came and joined here as a head of department. Orthopedics department at that time was in infancy. Usko develop kiya aur alhamdulillah work ke saath wahan pe multiple consultants ho gaye and the work load was so much ke I thought ke it was difficult to cope. So mujhe in the meantime I was again lucky enough to be invited from Doctors Hospital and Medical Center to come and join as a partner and an orthopedic and spinal surgeon. So in 2001 I came here aur tab se humne as center ko alhamdulillah Pakistan ke acche centers mein shamil kiya aur maybe ke unki list mein ab ye aage hai, especially talking about kyunki mera field hai orthopedics mein. We are very confident that we are at par with the rest of the world as far as the orthopedic and spine is concerned. Particularly orthopedics mein hum kya provide kar rahe hain, I'll start from the OPD and emergency. Emergency hamari 24 hours open hoti hai aur koi bhi patient aata hai to hamari expert team of juniors वो मौजूद होती है, वो उनको देखती है और हमें कंसल्टेंट को बुलाती है और हम रात को भी आके अपने पेशेंट्स को देखते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ इंडक्शन इज़ दी OPD यानी आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट मेजॉरिटी पेशेंट यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, कुछ वॉक इन पेशेंट्स होते हैं, हम दोनों को केटर करते हैं। हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पोलाइट और हेल्पफुल अमला मौजूद है, वो उनको यहाँ पे रिसीव करता है और मैं अपने पेशेंट्स को खुद देखता हूँ, चाहे वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, चाहे वो रिपोर्ट्स के लिए आना है या फॉलोअप है, दे विल हैव टू कम एंड सी मी। आई हैव माय एसोसिएट डॉक्टर्स विद मी एंड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग विद मी, लेकिन जो है ना फॉलोअप और बाकी सारा कुछ मैं खुद ही करता हूँ और खुद ही करूँगा आइंदा भी। उसके बाद ये कि हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़ सारी जो मौजूद हैं उसमें हमारे MRI से लेके लाइक CT से लेके बाकी जो लैब फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं इन डिटेल एंड टू द बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स। इन्वेस्टिगेटिव जो चीज़ें हैं वो एज अ सेट बैकअप होने के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ आवर थिएटर्स। किसी भी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का या किसी भी डिपार्टमेंट का जो बैकबोन होती है दैट इज़ देयर थिएटर्स, उनका स्टैंडर्ड, उनकी ऑटोक्लेविंग, उनकी स्टेरलाइजेशन, उनकी टीम, और उसमें आपके OTAs भी आ जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी आ जाता है और हमारे एसोसिएट डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू से दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट पार विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर इक्विपमेंट
and our theaters and our theater team and assistant doctors is concerned. At the same time, I should highlight, and I would, that we have one of the best anesthetic team in Lahore, at least if it not in Pakistan. So these are all things added by the pre-op and post-op, where people have at times complaints. Alhamdulillah, we have got a very well organized pre and post-op area or service area, where one-to-one patient is looked after. कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को एनेस्थीसिया वाले फिट ना करा दे दे कि आप पेशेंट को आप रूम में लेके जा सकते हैं. हमारे फ्लोर पे रूम्स हों या जनरल वार्ड हो, उसमें हमारी जो नर्सेज हैं वो ऑर्थोपेडिकली ट्रेंड हैं, और उनका राबता मेरे साथ, मेरे जूनियर डॉक्टर्स का, मेडिकल ऑफिसर्स का और नर्सेज का, इट इज़ राउंड द क्लॉक विद मी और विद माई एसोसिएट्स, एंड वी प्रोवाइड अराउंड द क्लॉक सर्विस आफ्टर दिस सर्जरीज. जब पेशेंट घर चला जाता है तो उसके बाद फिर उनको अपॉइंटमेंट देके, डिस्चार्ज स्लिप देके, हर चीज़ समझा के पर्सनली भेजा जाता है, और फॉलो अप डेट जब आते हैं तो फिर भी मैंने ही उनको फर्दर एडवाइस देनी होती है. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज के वी लाइक टू ट्रीट आवर पेशेंट्स लाइक आवर रिलेशंस, एंड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ. जहाँ तक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइनल फैसिलिटीज़ का और हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला ये कि ट्रॉमा या एक्सीडेंट्स, बोन फ्रैक्चर्स किसी भी तरह के हैं, वी डील विद देम, और कंजर्वेटिवली हो या सर्जिकली हो, दोनों का जो बेस्ट पॉसिबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है. वो इमरजेंसी के थ्रू भी है और ओपीडी के थ्रू भी है. उसके बाद आ जाती है इलेक्टिव सर्जरीज. इलेक्टिव सर्जरीज में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो लाइक नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट मेनली, ये हम बड़े ही कॉमनली कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विद गुड रिजल्ट्स. स्पाइन का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें डिस्क सर्जरी सबसे कॉमन है, और वो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोज आर एट पार विद एंड पैरेलल विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड स्पाइनल फिक्सेशन, डेकम्प्रेशन, दीज आर थिंग्स. लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि कोई भी सर्जरी जो है ना, उस दैट इज़ केप्ट एज ए लास्ट रिजॉर्ट. सबसे पहले हमें सबसे हर चीज़ को जो है वो देखना होता है कि क्या पेशेंट का मेडिसिन के साथ या इंजेक्शन या फिजियोथेरेपी के साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, तो सब ट्राई किया जाता है. और अगर कंजर्वेटिव मेयर्स एग्जॉस्ट हो जाएं तो उसके बाद ही सर्जरी की जाती है. इसके बाद आ जाती है एक स्पेसिफिक फील्ड है आर्थ्रोस्कोपी का, आर्थ्रोस्कोपी एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी. इसमें एक डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी होती है, टेलीस्कोप के साथ हमने नी जॉइंट की या हिप जॉइंट की या शोल्डर जॉइंट की डायग्नोसिस करनी है, या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैमरा के साथ, टेलीस्कोप के साथ ट्रीट करना है. वही हमारे पास फुल फैसिलिटी मौजूद है और हम इसे बहुत कॉमनली कर रहे हैं. इसके अलावा आ जाती हैं कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक टेंडन की इंजरीज हैं, टेंडन रिपेयर्स हैं, बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ हैं, एंड जनरल ऑर्थोपेडिक्स, उसमें छोटे मोटे लम्प्स एंड बम्प्स. ऑफ कोर्स ये जब आप इतनी मेजर सर्जरीज का सिस्टम आपके पास मौजूद होता है तो फिर जो जनरल ऑर्थोपेडिक्स है छोटी मोटी, उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती. एक बड़ा कॉमन आजकल सवाल पूछा जाता है वो है स्टेम सेल थेरेपी. उसके बारे में यही कहूँगा कि ये एक मोडेलिटी है, जो एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, इन्फेंसी में है, and the most advanced countries in the world they're working on it because it needs billions of dollars of research, aur wo ho rahi hai. But I feel ke hum apne patients ko gold standard treatment hi provide kare, aur isliye main abhi is favor mein nahi hu ke is stage ke upar PRP ya stem cell ka koi treatment kiya jaye. Main nahi karta kyunki mujhe sirf us modality ko, us methodology ko use karna hai jiska result 90%, 95%, 97%, 98% plus. So, may like you know anything which gives a result of less than 50%, I will not do that. एक और जो एरिया है वो है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी का. ये एक डेफिनेटली एक स्पेसिफिक फील्ड है, एक सुपर स्पेशलिटी है, और हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स ही डील कर सकते हैं तो हम उनको रेफ़र कर देते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में और जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में
specialized, specific pediatric orthopedic surgeon बहुत commonly available नहीं होते. So हमें जो majority of pediatric orthopedic surgery वो भी खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन हम जहाँ पे भी मुमकिन हो available होए pediatric orthopedic surgeon हम उसको refer कर देते हैं. हेमीमिलिया के बारे में यह है कि अगर limbs जो हमारे arms हैं या legs हैं, अगर बच्चा जब पैदा होता है तो वो अगर छोटे हों तो उन्हें हेमीमिलिया बोला जाता है. अब इसकी डिग्रीज़ हैं कि कितनी शॉर्टनिंग है, अगर एक सिर्फ एक टो लगा हुआ है या लिम्ब की साइज़ की शॉर्टनिंग है या बहुत ही छोटी है, अपर पार्ट ऑफ द आर्म या लेग मौजूद है, नीचे वाला नहीं है, या कोई टोज में से, उसके लिहाज से फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है. और ट्रीटमेंट किसी हद तक मौजूद है. हेमीमिलिया का पेशेंट को अगर ये को कह के 100% नॉर्मेलिटी अचीव कर ली जाएगी तो दैट वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इट इज़ टू अ गुड एक्सटेंट ट्रीटेबल, यानी काफ़ी हद तक ये काबिल इलाज है. एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल यहाँ पे है, जो कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ ट्रैवलिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग और साथ में यंगस्टर्स गोइंग फॉर देयर जिम्स एंड थिंग्स एंड ड्राइविंग अ लॉट, कि बैक पेन होती है और फिर टांग में दर्द चला जाता है. दिस इज़ कॉल्ड लंबेगो, लोअर बैक पेन फॉलोड बाय लेग पेन, जिसे शाटिका बोला जाता है. शाटिका का मतलब है कि आपकी नर्व जो बैक से निकल के टांग में जाती है वो कहलाती है शाटिक नर्व. उसको अगर कोई चीज़ दबा ले तो उसे शाटिका बोला जाता है. और इन द कॉमनेस्ट कॉज, सबसे जो कॉमन वजह है इस शाटिका की, वो है कि कमर में एक डिस्क का स्लिप हो जाना या दो डिस्क का स्लिप हो जाना. तो इसके लिए सबसे पहले तो तशखीस होनी चाहिए कि ये शाटिका है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को मसल पेन हो रही होती है या नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम शाटिक न्यूराइटिस बोलते हैं. उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें MRI स्कैन करवाना पड़ता है, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट के डिफरेंट स्टेप्स हैं. सबसे पहला जो स्टेप है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी कि बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर इंजेक्शन के, विद रेस्ट एंड केयर 70-80% लोग इसके साथ ठीक हो सकते हैं अगर वो डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते रहें. उसके बाद आ जाते हैं वो पीछे 30% लोग जो कि अपने अरेस्ट के साथ और केयर के साथ ठीक नहीं हुए. उनमें हम फिर इंजेक्शन, विच इज़ कॉल्ड कॉडल एपिडरल और सेक्रल एपिडरल, वो देखे, फिर रेस्ट करवाते हैं उनको. फिर भी नहीं ठीक होते तो वी ट्राई कि अगर नर्व बहुत बुरे तरीके से डैमेज नहीं हो रही और अगर शाटिका के साथ पाँव में नमनेस या वीकनेस या यूरिन के कंट्रोल का मसला नहीं है, तो फिर हम उनको इंजेक्शन देते हैं. लेकिन अगर पेशेंट की हम देखें कि डिस्क जो है, क्योंकि 4 degrees में स्मॉल एंड देन मॉडरेट एंड लार्ज एंड देन ह्यूज, इसमें कैटेगराइज करते हैं. अगर लार्ज और ह्यूज है और साथ में पेशेंट को नमनेस हो रही है या वीकनेस हो रही है लेग में या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर स्ट्रेट अवे सर्जरी करनी चाहिए. सो सर्जरी अगेन रहती है एज ए लास्ट रिजॉर्ट, लेकिन इसमें हमें बहुत केयरफुली देखना होता है कि कौन से पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे, यानी कि रेस्ट, मेडिसिन, फिजियोथेरापी, इंजेक्शन पे डालना है और किसको सर्जरी का एडवाइस करना है. क्योंकि अगर सर्जरी जहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको लेट कर दिया जाए और टांग सुन हो जाए या मफलूज हो जाए या यूरिन का कंट्रोल चला जाए, तो फिर उसका सर्जरी के बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं होते. थोड़ी सी बात अब हम फ्रैक्चर्स में के बारे में करेंगे, क्योंकि क्वैक्स बड़े अरसे से फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते आते रहे हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हम भुगतते आ रहे हैं अभी तक. तो उसमें पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के फ्रैक्चर्स में भी कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे को चोट लगी है और अगर स्ट्रेट अवे लग रहा है कि पाँव या हाथ या बाजू टेढ़ा हो गया, तो स्ट्रेट अवे डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखा के एक्सरेज करवाने चाहिए. और उसके बाद अगर इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टर है तो नेक्स्ट डे रीकन्फर्म करने के लिए किसी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स को, जो आपके करीब हो, उनको दिखाया जाए और रूल आउट किया जाए कि कहीं कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है, जिसे देखना और मिस कर जाना, देखना मुश्किल है और मिस कर जाना आसान है. सो उसके लिए कंसल्टेंट का देखना. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो सिर्फ सिंपल कास्ट या प्लास्टर के साथ गुजारा चल जाता है. होता ये कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हुई है और उसमें पेन होती चली जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है, या बड़ी टाइट बैंडेज कर दी गई है और डिले हो गई है, तो उसमें दो मसले बन सकते हैं.
कि डिले करने के बाद एक तो ट्रीटमेंट या तो मुश्किल हो जाएगा या नामुमकिन हो जाएगा, और अगर बैंडेज वगैरह बहुत किसी ने टाइट बांध दी है ट्रीटमेंट के तौर पे, तो उसमें जो इस्कीमिया कहलाता है यानी कि सर्कुलेशन हाथ की या पाँव की, वो ख़त्म हो जाएगी, जिसे बाद में सर्जन सर्जरी के साथ भी ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए वक्त पे प्रेजेंटेशन विद इन आवर्स बहुत ज़रूरी है, जो ख़ासतौर पर पेरेंट्स में, बच्चों के और ओल्ड एजेस में हिप फ्रैक्चर और स्पाइन फ्रैक्चर, ये दो चीज़ें इग्नोर होती हैं, इन दोनों के बारे में बहुत केयर करनी चाहिए। और एक ख़ास बात करना चाहूँगी कि जो दर्द एक हफ्ता या मैक्सिमम दो हफ्ते तक कंटिन्यू कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बाय एन ऑथेंटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की और यंगस्टर्स की और इवन अप टू द एज ऑफ 35 जिनमें अनएक्सप्लेन्ड पेन्स होती हैं, मल्टीपल एक्स एंड पेन्स बोलते हैं। इसका ताल्लुक आजकल दो चीज़ों से है, एक तो हमारी जो मॉडर्न जो हमारा है लाइफस्टाइल, लाइक यूजिंग द मोबाइल अलॉट और एक ही हाथ में पकड़ के मोबाइल को लंबे अरसे के लिए यूज़ करते चले जाना, एक ही जगह पे कंप्यूटर के सामने चार चार छः छः घंटे बैठे रहना, ड्राइव अगर करने लगे हैं तो अपने आप को ब्रेक नहीं देनी चार चार छः छः घंटे की ड्राइव्स, ये चीज़ें आपकी नेक को प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं और बैक को प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं। सो इसके लिहाज से पोस्चर और ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप के आप अपने दफ्तर में बैठे हैं तो अगर छः घंटे बैठना है तो हर आधे घंटे के बाद दो चार मिनट की ब्रेक अपने आप को दें, उठ के चलें फिर बैठ जाएं। एक जो चीज़ है मेरे ख्याल में जो कि मिसअंडरस्टूड और मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है, वो है वाइटामिन डी डेफिशिएंसी। वाइटामिन डी डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो, छोटे बच्चों में, तो उसे कहते हैं रिकेट्स। उसमें डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, पेन होती है, और उसके लिए वाइटामिन डी का टेस्ट करवाना है, एक्सरे करवाना और उसको ट्रीट करना स्ट्रेट वे बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बच्चे को इंजेक्टेबल वाइटामिन डी या ओरल वाइटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है और उसको साथ में फॉलोअप रखना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कॉमन आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि वाइटामिन डी डिफिशेंसी जो है एडोलेसेंट्स में, लाइक 18 से लेके 35 तक 38 तक इस तरह के जो एज ग्रुप है उसमें वाइटामिन डी डिफिशेंसी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जेनेटिक रीजंस की वजह से या इस वजह से कि धूप तो बहुत है लेकिन हम कभी धूप में बैठते नहीं, बाहर निकलते नहीं हैं, इस ये दो रीजंस हैं कि हमारे तकरीबन लाइक 80% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है 80% लोग तकरीबन मे बी मोर वाइटामिन डी डिफिशेंसी के शिकार हैं। और इसका मसला ये कि वाइटामिन डी डिफिशेंसी कोई बोन पेन्स वगैरह ज़्यादा कॉज नहीं करती। तो व्हाट आई सजेस्ट, जो मेरी सजेशन वो ये है कि वाइटामिन डी का लेवल करवा लिया जाए और उसके बाद वाइटामिन डी जो है ना वो लिया जाए, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, या जो ओरल इंजेक्शन की फॉर्म में, या इवन अगर स्वेट डिफिशेंसी है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का, अगर आप मंथली इंजेक्शन ले लेते हैं फॉर 6 मंथ्स तो मेरे ख्याल अगले 2-3 साल के लिए आप कवर हो जाते हैं। इसको हेडेक नहीं बनाना चाहिए, जितना इसको ओवर सेल किया जाए उस पर भी ना जाना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है और इसको बड़ी आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है। दूध पीना चाहिए बच्चों को, अगर खालस मिल जाए बच्चों बचपन से लेके, तो आपकी एज फॉर एग्ज़ाम्पल 20-25 तक, ख़ास तौर पर बच्चियों में कैल्शियम इनटेक जो वो अपनी प्यूबर्टी से पहले पहले लेंगी वो काम आएगा। जो बाद में कहते हैं कि अजय अब ऑस्टियोपोरोसिस भी हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया, 55-60 साल की उम्र भी होगी, अब सिर्फ कैल्शियम लेके और दूध पी के गुजारा चल जाएगा, तो वो नहीं। इट हैज़ टू बी टेकन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एज, यानी कि बचपन में जो कैल्शियम, वाइटामिन डी, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ की जाएंगी वो हेल्प करेंगी इन द 30s and 40s and 50s and 60s and 70s। तो इसके बारे में मेरी ये अपनी ओपिनियन है और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है जो मैंने बता दी। लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा कि आज ये जो सारी एफर्ट हम कर रहे हैं ये लोगों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करने के लिए है, और मेरी लोगों को ये सजेशन होगी उन लोगों स्पेशली जो बाहर बैठे हैं या इवन मुल्क में जिनको ये पता नहीं चल रहा कि किस ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं या कौन अच्छा है कौन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाएंगे एंड देर इज़ अबंडेंस ऑफ दैट, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि क्योंकि जो मरहम का प्लेटफॉर्म है ये आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है कि ये
डॉक्टर्स को मिले होते हैं, ये डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, इनका उनको डॉक्टर्स का पता होता है, रिव्यूज़ पढ़े होते हैं, लोगों से सुना होता है, पहले जो पेशेंट्स भेजे होते हैं उनका फीडबैक मिला होता है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको, चाहे आप बाहर बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं, आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। वो आई एम श्योर कि अगर पेशेंट कराची में है तो वहाँ का बंदा आपको बताएंगे, अगर पेशावर में तो वहाँ पे है, और आपकी कन्वीनियंस के लिहाज से आपके इर्द गिर्द में जो अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ पे भेजेंगे। जहाँ तक मेरी सर्विसेज का ताल्लुक है, अगर मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म इस यानी मरहम के प्लेटफॉर्म से कॉल करेगा या ईमेल करेगा, तो मैं विदाउट हैविंग एनी वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ माई सेल्फ, मेरे अपने लालच के अलावा, मैं विदाउट एनी चार्जेस, मैं आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप जो भी है उसके ऊपर मैं पूरी आपको तफसील में, लेकिन उतनी ही आपको ओपिनियन दूंगा जिसके साथ आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना पहुंचे।